गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय। लड्डू महाराज हमारे खेल रहे हैं और बड़े वाले लड्डू हैं ना वो पढ़ाई कर रहे हैं। मैं और हेमा दोनों चाय पी रहे हैं, ये कर रहे हैं पूजा नहा के, और उसके बाद ये भी हमारे साथ चाय पियेंगे बैठ के। और पंचायतें होंगी जो कि हमारी डेली थोड़ी थोड़ी होती ही हैं। इनका ज्ञान हेमा को ज्ञान दे रहे हैं ये, नहीं दे रहे। तुम्हारे यहाँ का क्या खाना फेमस? नॉन वेज खाते हैं, सब नॉन वेज खाते हैं। त्योहार पे ये लोग नॉन वेज बनाते हैं, दिवाली पे भी बनाते हैं ना, पूजा करने के बाद। अपने नदी है ना हमारे, तो वहाँ से लेके आते हैं, कितने टेस्टी होते हैं वहाँ की मछली। हैं हमें अच्छी नहीं लगती इसलिए हम तो कहेंगे ही हैं। अपने लिए, अपने लिए ऐसी क्या चीज है पनीर जो इनके लिए नॉन वेज है? सच कह रहे हो यार, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है वेजिटेरियन खाने वाला। मटर डाल दो, मटर पनीर, शिमला मिर्च डाल दो, कढ़ाई पनीर, प्याज डाल दो। जा मैं हिमाचल से तो वहां काम करती हूं ना, पति इसमें जाने गए थे, वो कह रहे अपनी बहन और मेरे भाई के लिए दे दे, मैं वहां काम करता। मैंने कहा मेरे बहन ही नहीं है, कह रहे तुम्हारा उत्तराखंड के बहुत अच्छे रहते हैं भाई, आगे बस है। अच्छा वो लड़की की नहीं बोला, लड़की दे दे। लड़की पता है कितनी बड़ी है? लड़का है अभी बैंक में, मतलब 28 साल का है। नहीं अच्छा हुआ उसने लड़की नहीं बोला, लड़कियों की पता है उसके, लड़कियां इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी लड़कियां पता है उनको? नहीं। अगर जॉब वाला लड़का देखना देखते हैं हमारा, तो 6-7 का तो आराम से अंतर रहता है। हाँ, वो तो होता है हर किसी, हमारा इनका 6-7 का अंतर है। जॉब वाला 10-12 साल के मिल कर लेते हैं, होता है। फिर अगर तुम नॉर्मल देखोगे तो कुछ नहीं करते। देवर के लिए भैया के लिए उनकी सास फिर आ गई, मम्मी यहाँ रखी है, एक ही भैया है। अरे ऐसे तुम्हारी गलत सोच है, मेरे कहने का मतलब सास आ गई मतलब। तो कुछ दिन पहले हमने आई चेकअप करवाया था, आपको पता है, तो हमारे दोनों के पति पत्नी के चश्मे बन के आ चुके हैं। तो ये यहाँ पर ट्राई कर रहे थे, इनको लग रहा था मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ, बट मैं वीडियो बना रही थी। तो हम लोगों को इतनी हंसी आई मुझे लक्ष्य को बहुत ज़्यादा। और इनका परफेक्ट पीयूष बंसल लगाता ना वही फ्रेम है सेम। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय, सेम ऐसा ही मेरा फ्रेम था लेकिन कलर मेरा दूसरा था। ये फ्लेक्सिबल है, टूटने का डर नहीं है, लेकिन ये मुझे लूज हो रहा था, इनको फिटिंग से आ रहा था। तो हमने सोचा चलो स्टोर पे जाके और दूसरा फ्रेम देख के आते हैं जो मेरी आंखों पे एकदम फिट बैठ जाए। अच्छा तो लग रहा था लुक वाइज, मैंने पहन के देखा था, बट मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा था, जो मेरा पहला वाला चश्मा है ना उससे मुझे लूज लग रहा था। तो हम पहुँच गए यहाँ पे स्टोर पे और वहाँ पे फ्रेम देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे लड्डू को देखो आप, उसकी मस्तियाँ चालू हैं। और लड्डू को हम साथ में लेके गए थे, लड्डू के साथ में फ़र्स्ट टाइम गई थी बाइक पे, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि लक्ष्य के टाइम पे तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम बाइक से ही जाते थे। बट अब हमारे पास गाड़ी, उसके बाद भी हम बाइक से गए क्योंकि कौन गाड़ी को निकाले, फिर कौन लगाए, मौसम भी थोड़ा अलग सा था। तो हमने सोचा बहुत टाइम से बाइक से नहीं गए तो चलिए बाइक से चलते हैं। और यहाँ पर मैं फ्रेम ट्राई कर करके देख रही हूँ कि कौन सा मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है। अच्छे तो बहुत लग रहे थे जॉन जैकब्स के, मेरा जो पहला वाला है ना जॉन जैकब्स का है, तो यहाँ पे मैं वही ट्राई कर रही थी क्योंकि उसी में फ्रेम अच्छे मिलते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग बताओ, मैं अलग अलग ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे इनमें से एक पसंद आया तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मेरा मेन जो बन के आया ना वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि ये वाला मेरा मेन है, तो आप लोग बताना मुझ पर वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मेरा मेन नहीं है, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था, ये मेरा मेन है जो मुझे लूज आ रहा है ना, ये बन के आया हुआ है। मेरा कलर कैसा लग रहा है आप लोग बताना, मुझे कलर वाइज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आजकल ऐसे ही ट्रेंड में है। तो इन्होंने बोला कि लगेगा भी नहीं कि ये आँखों का है, तो चलो इसको ही करते हैं फाइनल। जो लेटेस्ट मेरा ये मैंने 2 साल पहले बनवाया था वो वाला था, ब्लैक वाला, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। पहले इतना अच्छा नहीं लगता था लेकिन ये नया वाला बन के आया ना तब से मुझे ये भी अच्छा लगने लगा है। और यहाँ पे मेरे लड्डू को देखो, हाय थ्वे थ्वे, नज़र ना लग जाए मेरे बच्चे को, कितना क्यूट लग रहा है। रेड टी शर्ट में तो और ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है, छोटी है ना इसकी, तो छोटी से ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़की है। सब लोग बोलते हैं कि लड़की है लड़की है, लेकिन अंदर से पता चलता है भैया ये तो लड़का है। देखो उस बेबी को देख के कैसे कर रहा है, उस बेबी को देख के लड्डू लड्डू लड्डू
कुछ बात करने की A few moments later. तो अभी जा रहे हैं हम घर और लड्डू इतना ज्यादा तो हमारा फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि जो हमारा ऑलरेडी था फ्रेम उसी को लेके चलते हैं क्योंकि और ज्यादा अच्छे थे नहीं मजबूत नहीं थे यार मैंने मुझे पसंद तो आ रहा था एक बट वो था ना कि टूटने का डर था और इस वाले में जो मैंने ऑलरेडी ले रखा है उसमें टूटने का डर नहीं है और एक दिन की वारंटी नहीं होती ना इनकी इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है फिर इसी को ले लेते बट मेरा जी वाला सबसे अच्छा लगता है मुझे अभी क्योंकि दूसरा आ गया ना उसके बाद मुझे ये अच्छा लगने लगा गिर ना जाए चलो चलो इसको टॉवल से कवर कब हटेगा थोड़ी ये इसको बाहर की आदत लग जाएगी ना तो फिर ये अंदर लेके गए थे तो उन्होंने कम दिए थे दो मोमोज उसमें तो अभी हम फिर से मोमोज लेके जा रहे हैं और जो कम दिए थे उनको भी एक्स्ट्रा डलवा रहे हैं ये तो अभी लड्डू को लेके मैं खड़ी हुई हूँ अभी तंदूरी में थोड़ा टाइम लगेगा 10 मिनट बोल रहे हैं तो मैंने लक्ष्य के लिए फ़ोन कर दिया कि बेबी हम 10 मिनट बाद आएंगे और देखो लड्डू सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है उसने बाहर की दुनिया ना अभी देखी है अच्छे से तो बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था वो सारी चीज़ें लड्डू जो लड्डू का हॉस्पिटल था ना जो विजिट करती थी अपना जो आती थी क्लिनिक पर तो मैडम के पास ही पास में ही है A few moments later. तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं उनसे मिलके आती हूँ तो अभी मैं अपनी डॉक्टर है उनसे मिलने जा रही हूँ A few moments later. तो मैं उनसे मिलके मैं आ गई हूँ इतना अच्छा लगा था सच में बहुत ही ज्यादा लेकिन उन्होंने बस जैसे ही मैंने एंट्री ली बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे क्योंकि उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था ना वो लोग वेट कर रहे थे मैंने बोला उनसे कि मुझे रिसेप्शन पे कि मुझे 2 मिनट ही मिलना है तो मैं मिली और उन्होंने बोला जाते ही कि तुम्हारा वेट बहुत बढ़ गया है मैंने बोला हाँ मैं बढ़ तो गया तो बोल रही मेरी तरह बहुत प्रॉब्लम आएगी लूज करने में मैंने बोला कोई बात नहीं इसलिए छोटी खराब हुआ तो बोला लड़का हुआ था ना ये लड़की कैसे तो मैंने बोला अरे लड़का ही है मैंने चोटी बना दी है तो चलिए चलते हैं मोमोज हमारे बन चुके होंगे अभी हम चलते हैं आया करती थी और काफ़ी अच्छा लगता था मैम से मिलके सच में बहुत अच्छा लगा यार लड्डू तो मैं आ गई हूँ घर मैंने कपड़े चेंज कर लिए और बहुत कंफर्टेबल फील होता है घर आके और नाइटी पहन के सच बताऊँ ऐसा करता कहीं मत जाओ बस घर पर ही रहो ये मोमोज लगा रहे हैं लड्डू हमारा सो गया है मेरा बच्चा चलिए खा लेते हैं लड्डू गुड मॉर्निंग तो लड्डू की गुड मॉर्निंग हो चुकी है लड्डू को मैंने रेडी कर दिया है उसने पोटी वगैरह कर ली है चोटी बना दी क्रीम लगा दी काजल लगा दिया और सैंडल पहना के अब उसको बॉकर में बैठा लूँगी फिर उसके बाद मैं काम पे लग जाऊँगी ये अभी सो रहे हैं हेमा आ चुकी है और बहुत सारा काम फैला हुआ डला है कल हेमा बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी तो कल वो नहीं आएगी चलो आज का क्या प्लान होता है आगे देखते हैं गुड मॉर्निंग लड्डू गुड मॉर्निंग लड्डू का मुंडन होगा अब है ना एकदम टकला हो जाएगा लड्डू है ना भैया गया है स्कूल क्योंकि भैया के एग्जाम चल रहे हैं चलो आ जाओ आज चलो चलो आज 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 मेरा बच्चा लड्डू इतना शैतान हो गया है बहुत रोता है क्या हो गया बेटा तब से कैसे रो रहा था अभी मैंने उसका वो लगा दिया है देखो लकड़ी की काठी तो कैसे देख रहा है लड्डू लड्डू
तो लड्डू घर से आया जब से बहुत रोना धोना करता है, शायद बड़ा हो चुका है इसलिए उसको कोई ना कोई अपने पास चाहिए। बहुत ज़्यादा उलटता पलटता है तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि गिर जाएगा बेड से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए एक ना एक सदस्य को इसके यहाँ रहना ही पड़ता है। और आज ना लड्डू का हमारा सेरेलेक भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि उसका चलो होममेड सेरेलेक ना वो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ें दाल और चावल वगैरह मिक्स करके वॉश करके मैंने ऑलरेडी इसकी शेयर कर चुकी हूँ, रेसिपी बोल दो कुछ भी बोल दो वो मैं शेयर कर चुकी हूँ कि इसको मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको वॉश करके और यहाँ पे धूप लगा रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी उन्होंने, बार बार मुझे अंदर रखना पड़ रहा था। और उसके बाद ये हो रहा है दोपहर का समय, हमारी एसी में कुछ गैस वगैरह ख़त्म हो गई थी, एसी वाले भैया आए थे ना सर्विस वाले, तो उन्होंने बताया था, तो ये यहाँ पर गैस भरने के लिए आए हुए हैं। और अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, लड्डू को मैंने नहला दिया, ये दोनों भाई नहा चुके हैं। सच में दिन मेरे कैसे निकल जाते पता भी नहीं चलता। लड्डू नहा होके रेडी हो गया है, देखो कैसे गिरता है लड्डू अब आजकल। क्या हो गया, ऐसे गिरेगा? नहीं नहीं मेरे बच्चा, लड्डू 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 लड्डू। तो हमारा लड्डू नहा धो के हो गया है रेडी, बाहर एसी में गैस भर रहे हैं, वो लोग आए हुए हैं एसी सर्विस वाले, और इसने देखो एसी का रिमोट ले लिया है। अभी मुझे नहाना है, मुझे नहाने जाना है, उसके बाद मुझे रोटियां भी बनानी है। लड्डू क्यों शैतानी करना है भैया, मम्मा को क्यों तंग करना है? ये लो छोटी बना दी मैंने लड्डू की, छोटी बनाई है मम्मा ने, छोटी बनाई है गंदी बच्ची की। लड्डू आए, लड्डू ने नए कपड़े पहने हुए हैं, ये न्यू शॉर्ट लड्डू का जो अभी मैंने मंगाया हुआ था कुछ टाइम पहले। लड्डू देखो देखो इसके अलग ही नखरे हैं, बच्चों के पता नहीं क्या ही नखरे रहते हैं, समझ में ही नहीं आता कुछ। ओ गिरने वाला। लड्डू आज 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 मैं तो अंदर ले आई उनको, देखो इसको शैतान को, लेट जाओ इसको लेटा दो इसको, लेट जाओ बेबी, हाँ बस। क्या हुआ, दलिया खाना है, दलिया बना दो। तो फाइनली हमारे लड्डू महाराज सो चुके हैं बहुत मुश्किलों के बाद। अभी जितना बड़ा होता जा रहा है लड्डू, इसकी नींद कम होती जा रही है और इसकी रखवाली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नज़र न लग जाए मेरे बच्चे को, कितना क्यूट लगता है किसी किसी दिन तो बहुत ज़्यादा, मुझे खुद ही मिसमिसी आने लगती है, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ। आप लोग बताना कि आपको छोटे बच्चों पर मिसमिसी आती है क्या? मुझे तो बहुत ज़्यादा आती है। और जो हमने लड्डू के लिए सेरेलेक बनाने के लिए दाल और चावल जो सारी चीज़ें हमने सुखाने के लिए रखी थी धूप में, वो एकदम अच्छे से सूख चुकी हैं। और यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई रख ली है, उसमें थोड़ा सा घी डाल लिया है गाय का। वैसे मैंने पिछली बार जो आप लोग के साथ शेयर किया था उसमें घी ऐड नहीं किया था, ऐसे नॉर्मली धीमी आंच पे मैंने उसको भूना था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप थोड़ा घी में भूना कीजिए, तो मैंने घी ले लिया। यहाँ पर ये गाय का घी है जो कि मुझे मम्मी ने दिया था, और यहाँ पर अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसको एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दिया है पीसने के बाद। और मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बनाती हूँ लड्डू के लिए, लड्डू इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।